बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। दिस इज़ फरवा अकरम, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर सोशल साइकोलॉजी सब्जेक्ट, एंड दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर। एंड द टॉपिक ऑफ आवर टूडे लेक्चर इज़ रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड्स की अगर हम बात करें तो सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, तो आज हमारा रिसर्च मेथड्स होगा कि हमने सोशल साइकोलॉजी में रहते हुए कौन कौन से रिसर्च मेथड्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो अप्लाई करने हैं किसी के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर करने के साथ साथ डिफरेंट डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज़ पायलट स्टडी, पायलट रिसर्च स्टडी। पायलट रिसर्च स्टडी के बारे में अगर हम बात करें, अ पायलट स्टडी इज़ अ स्मॉल स्टडी डिज़ाइन टू गैदर इंफॉर्मेशन प्रायर टू लार्जर स्टडी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनल स्टडी एंड रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। पायलट रिसर्च स्टडी बेसिकली अ मिनी वर्जन ऑफ फुल स्केल, मतलब कि जब आप एक लार्ज स्केल पे या लार्ज स्टडी करने लगते हो तो उससे पहले आप एक मिनी रिसर्च करते हो, माइनर स्टडी करते हो, मिनी स्टडी, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो है एक, आप ये बात कर लें कि अपने लार्ज क्वालिटी या लार्ज इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने से पहले हम उसका पहले से एक टेस्ट करते हैं। फॉर सपोज आप इस तरह की इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप लोगों का एक बोर्ड पेपर होने वाला होता है, तो उससे पहले आप लोगों से डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं, आपको स्केड्यूल दिया जाता है, आपका एक प्री बोर्ड स्टार्ट होता है जो हमारा इस क्वालिटी को या हमारे बोर्ड के पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उससे पहले टेस्ट लिए जाते हैं। फॉर सपोज आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको वो फुल लेंथ पेपर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, कि आप लोगों ने बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करनी है, इसके अलावा आपकी आपको इतने एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल बोर्ड पैटर्न होगा। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको अपने टाइम का पता चलेगा, टाइम का पता चलने के साथ साथ आप अपना बोर्ड का पेपर जो है वो अच्छी क्वालिटी में दे सकते हो एक प्लानिंग के साथ। तो ये पायलट स्टडी बेसिकली एक मिनी स्टडी है जिसमें आप अपनी लार्ज जो आपका पेपर होगा या जो चीज़ होगी, रिसर्च होगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। अ पायलट स्टडी कैन रिवील द डेफिशिएंसीज इन डिज़ाइन फॉर अ प्रपोज्ड रिसर्च प्रपोजल, जिसमें आप अपनी प्री बोर्ड में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो बिफोर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। हाँ अच्छा जी, पायलट स्टडी बेसिकली आप देखें कि पायलट स्टडी में हम प्री रीडिंग क्वेश्चनेयर एंड ओरिएंटेशन की बात करते हैं, कि आप जब पायलट स्टडी करते हो तो उसमें सबसे पहले एक प्री रीडिंग क्वेश्चनेयर जो है वो होता है, उसके बाद आप थिंक अलाउड ट्रेनिंग, आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स लेते हो, जैसे मैंने अभी प्री बोर्ड का बताया, या आप लोग का सेमेस्टर सिस्टम देख लें, जब आप लोगों को एक डे शीट आपकी आ जाती है तो उसमें आप उससे पहले एक महीना पहले, दो महीना पहले आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपसे प्री बोर्ड लेना स्टार्ट हो जाती है, ताकि आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको, जो जो डेफिशिएंसी आपने सेमेस्टर में डेली क्लासेस बेस पे आप नहीं पढ़ पाए, तो वो आपका जो प्री बोर्ड होगा उसमें आप अच्छा टेस्टिंग सिस्टम भी अपना करोगे और आपकी जो है डेफिशिएंसीज भी कंप्लीट होंगी, और उसकी क्या है आप ट्रेनिंग लोगे। उसके बाद आप रीडिंग टास्क, जो आपको टास्क दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग के बाद आप उसको रीड करते हो। एंड कम्प्रीहेंशन टेस्ट, कम्प्रीहेंशन टेस्ट क्या होगा आपका, जो आप रिटन टेस्ट दे रहे होते हो फिज़िकली प्रेजेंट होके, या फिज़िकली आप जो है आपको पेपर दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद वो आपका कम्प्रीहेंशन टेस्ट होगा। और उसके बाद पोस्ट रीडिंग इंटरव्यू होगा जिसमें आप जो है एक फ़ाइनल एग्ज़ाम देने के लिए अपना बोर्ड की तरफ जाओगे। तो बेसिकली ये होगा आपकी पायलट स्टडी जो का फिल मिनी वर्जन ऑफ फुल स्केल। वाई पायलट स्टडी इज़ नीडिड, हमें पायलट स्टडी करने की क्यों ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया कि आपकी डेफिशिएंसीज़ को, आपकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, आप पेपर्स की तैयारी अच्छे वे में कर सको, तो उसके लिए पायलट स्टडी जो है वो नीड होती है। अगर इसमें अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी ऐसा होता है कि जब आप फुल टास्क करने लगते हो तो फुल टास्क करने से पहले आप छोटी छोटी चीज़ें उसकी करते हो, जैसे उसका नेट पर सर्च करना, नेट पर सर्च करने के बाद आप उसको रीड कर
करते हो कि ये मेरे अकॉर्डिंग है टॉपिक या नहीं है। वो सारी चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग हो जाती हैं तो उसके बाद आप रिसर्च उस पर परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली देर आर थ्री वैल्यूज ऑफ पायलट स्टडी, पॉसिबल फ्लॉज इन मेजरमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस, टाइम लिमिट्स। अच्छा जी, ये हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है पायलट स्टडी की, वो ये है कि आपका टाइम लिमिट आपको पता चल जाएगा कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे के पेपर में मुझे कितना टाइम लगता है। तो वो चीज़ें आप मेजर करना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा 3 घंटे में से मैंने पूरा पेपर जो है वो 15 मिनट पहले कर लिया। इट मीन्स जब मैं फाइनल बोर्ड पेपर देने जाऊंगी तो मैं 15 मिनट्स पहले भी अपना क्वेश्चन जो है ये अपना पेपर सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। अगर आप जो है 3 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं और उसके बाद भी आपका पेपर रह जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम अपनी इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली ये क्या होगा, आपका टाइम लिमिट्स होगा, इंस्ट्रक्शंस जो आपको बोर्ड पेपर में दिए जाते हैं कि आपने बॉल पॉइंट यूज़ नहीं करना, आपने ये चीज़ें पेंसिल यूज़ नहीं करनी, ये नहीं करना, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको प्री बोर्ड में बता दिए जाते हैं ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक नहीं करो। नेक्स्ट वन, टू आइडेंटिफाई अनक्लियर आर एम्बिगुअस आइटम इन अ क्वेश्चनेयर। अच्छा जी, अनक्लियर आइटम्स या जो भी चीज़ें हैं वो आप क्लियर करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, या कोई भी ऐसे आइटम जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। फॉर सपोज अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है या एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, तो उस प्री बोर्ड में आप अपने टीचर से वो क्वेश्चन करते हो कि इसको मैम प्लीज़ क्लियर कर दें, ये आइटम की समझ नहीं आ रही, इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही। तो वो टीचर आपको उसका क्लियर मीनिंग बताता है कि बेटा इसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है। तो वो क्या होगा, आपका सेकंड स्टेप होगा जिसमें आपने अनक्लियर आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन है नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दिस स्टडी इज नॉट यूजिंग अ प्योरली क्वांटिटेटिव मेथड बट अ कंबाइंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस होगा, आप क्वांटिटेटिव में जस्ट नंबर्स पे, जैसा कि आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनेयर होता है जिसमें आपको जो है 10 MCQs दिए जाते हैं, तो वो एक काउंटेबल है, काउंटेबल चीज़ जो नंबर्स पे डिपेंड कर रही होगी वो आपका क्वांटिटेटिव स्टडी होगी। ठीक हो गया, क्वांटिटेटिव स्टडी। अब अगर हम पायलट स्टडी में बात करें तो दोनों टाइप के क्वेश्चनेयर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आप बोर्ड के पेपर्स दे रहे होते हो तो उसमें आपको MCQs भी दिए जाते हैं, 10 MCQs होते हैं, 15 होते हैं, 12 होते हैं, तो वो एक काउंटेबल आपकी मेथड है। बट अ कंबाइंड क्वालिटेटिव मेथड, लेकिन पायलट स्टडी में हम क्वालिटेटिव मेथड को भी यूज़ करेंगे। किस टाइप का, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है राइट अ कंप्लीट नोट ऑन पायलट स्टडी, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन सैंपल, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन कॉग्निशन, तो वो क्या है, वो आप उसमें जितना भी डिस्क्राइब करना चाहो, 1 पेज का, 2 पेज का, 1/2 पेज का, तो वो एक काउंटेबल अमाउंट या काउंटेबल मेथड नहीं होता। आप अपनी मर्जी से जितने भी उसमें वर्ड्स लिख सकते हो एक पैराग्राफ फॉर्म में। तो क्वालिटेटिव जो है बेसिकली क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वालिटी है, कितना मटेरियल आपने ऐड किया हुआ है, लेकिन क्वांटिटेटिव में आप काउंटेबल जो है कोई भी चीज़ काउंट करते हो कि इतनी होनी चाहिए। तो बेसिकली नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट के, पार्टिसिपेंट का नॉन वर्बल बिहेवियर भी होगा। फॉर सपोज अगर आपको पेपर लेंथी लग रहा है तो आप अपना नॉन वर्बल बिहेवियर शो करोगे, अपने जेस्टर शो करोगे कि मैम ने पेपर, आप बोल नहीं पा रहे टीचर के सामने, लेकिन आप जो है अपने बिहेवियर के थ्रू उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि अच्छा पेपर इतना लेंथी बनाया हुआ है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा, आपका नॉन वर्बल बिहेवियर होगा जिसमें आप क्वांटिटेटिव मेथड को भी यूज़ कर रहे हो एंड क्वालिटेटिव मेथड को भी यूज़ कर रहे हो। एडवांटेजेस ऑफ पायलट स्टडी, इट कैन गिव एडवांस वार्निंग अबाउट वेयर द मेन रिसर्च प्रोजेक्ट कैन फेल। जब आप अपना प्री बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या इसके अलावा जैसे मैंने रिसर्च की बात की, एमफिल में रिसर्च करते हो, ग्रेजुएशन बीएस कंप्लीट करने के बाद आपकी रिसर्च होती है, तो उसमें आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट में आप जब मिनी रिसर्च करने लगते हो, पायलट स्टडी करने लगते हो, तो पायलट स्टडी का मेन एडवांटेज ही यही है कि आप एक मेन जगह पे स्टडी करने से पहले आप उसको रिहर्स करते हो। फॉर सपोज अगर आप लोग की मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, नेक्स्ट डे आपने आके मुझे प्रेजेंटेशन देनी है या क्विज देना है, तो उससे पहले आप घर बैठ के उसकी स्टडी कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वो प्रैक्टिस इसलिए होती है कि कल हम क्लास के सामने शर्मिंदा ना हो, हमारी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो बेसिकली उसे भी हम लोग
पायलट स्टडी बोलते हैं। इट इंडिकेट्स वेयर रिसर्च प्रोटोकॉल माइट नॉट बी फॉलोड, कि ये पायलट स्टडी जो है वो हमें ये शो करती है कि हमारा कौन सा ऐसा स्टेज है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपनी स्टडी को फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको वहीं स्टॉप कर देनी चाहिए, आपको टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। फॉर सपोज आप देखते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, एक हफ़्ता, एक दो हफ्ते या एक महीना गुजारने के बाद वो उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो वो स्किप करके किसी और फील्ड में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा कि आप जो है, इट इंडिकेट्स वेयर रिसर्च प्रोटोकॉल माइट नॉट बी फॉलोड, कि हमें फॉलो नहीं हम कर पा रहे उसे, तो ये भी इस चीज़ को शो कर रहे हैं। द पायलट स्टडी कैन आल्सो आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च प्रोसीजर, जो हमें रिसर्च प्रोसीजर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे। इट इंडिकेट्स वेदर प्रपोज मेथड आर इंस्ट्रक्शन आर इन अप्रोप्रिएट टू कॉम्प्लिकेटेड, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो या पायलट स्टडी कर रहे होते हो तो उसमें आप ये देखते हो कि कहाँ पे हमें कोई मटेरियल या कोई ऐसा स्टेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट है, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप उसको वहीं पे स्किप करके आप नेक्स्ट फील्ड में चले जाते हो, नेक्स्ट स्टेप जो है वो चूज़ करने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली पायलट स्टडी का एडवांटेज ये होगा। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है क्वेश्चनेयर। अ क्वेश्चनेयर इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट। अ क्वेश्चनेयर जो है वो एक क्वेश्चंस पे डिपेंड की हुई एक सीरीज टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसे आप फिल करते हो। फॉर सपोज आप देख रहे होते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होते हैं जो आपको परफॉर्मा देते हैं और आपको कहते हैं कि करंट ये क्वेश्चनेयर फिल कर दे, हमें आपके बारे में डाटा लेना है। तो क्वेश्चनेयर बेसिकली एक सीरीज फॉर्म में क्वेश्चंस जो है वो डिवेलप किए जाते हैं एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। फॉर सपोज रिटन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू बाय टेलीफोन और कंप्यूटर या पोस्ट, इसमें भी हम क्वेश्चनेयर को डिवेलप कर सकते हैं। आप जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें सबसे पहले प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनेयर जो है वो अरेंज किए हुए होते हैं और आपसे वही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपने इन इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, वो अपने सामने रख के आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो बेसिकली रिटन इंटरव्यू ये होता है या फेस टू फेस इंटरव्यू में भी हम क्वेश्चंस जो हैं वो अरेंज करके रखते हैं। फॉर सपोज अगर आप मेरे सामने हो या मैं आपकी क्लास में आई हूँ, तो सबसे पहले फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा हमारा। मैं अगर चाहूँ तो आप लोगों से वो क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए घर से कुछ क्वेश्चन अरेंज करके आऊँगी और वो अपने सामने रख के आप लोगों से पूछूंगी कि हाँ जी इसका आंसर दें, इसका आंसर करें। तो बेसिकली ये हमारे पास फेस टू फेस क्वेश्चनेयर होगा। टेलीफोन पे भी आप किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हो। कंप्यूटर पर भी आप देखते हो कि डिफरेंट क्वेश्चनेयर कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिस पर डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं आपके डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कि आप आपने अगर कहीं पे एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के अलावा आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो क्या होगा, वो आपका ऑनलाइन सिस्टम भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, या समटाइम्स आपको पोस्ट भी आती है कि आप इस पोस्ट को फिलअप करें, ये क्वेश्चनेयर है इनको फिलअप करें और इस पे अप्लाई कर दें। तो वो बेसिकली एक क्वेश्चन फॉर्म में सीरीज एक क्वेश्चंस की होती है जो डिवेलप की जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चनेयर बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी ऑब्टेन। हम क्वेश्चनेयर में बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि आप टू द पॉइंट बात भी कर सकते हो कि क्वेश्चंस को अरेंज करके, होगे 10 क्वेश्चन है तो 10 का आंसर करना है आपने। क्वालिटेटिव में आप उससे पूछोगे कि अच्छा आपने पहले जॉब की, आप जो है आंसर करोगे यस, तो ये होगा आपका क्वांटिटेटिव। अगर आपसे वो पूछता है कि कहाँ पे की, कितना टाइम रहे, तो वो आपका क्वालिटेटिव होगा जिसमें आप डिटेल बता रहे हो अपनी जॉब के बारे में। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। इफ़ यू कैन आंसर अ क्वेश्चन विद ओनली अ यस आर नो रिस्पॉन्स, देन यू आर आंसरिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। बेसिकली जैसे मैंने अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का बताया, बेसिकली बिल्कुल ये उससे ही रिलेट कर रहा है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप जस्ट येस और नो में आंसर करोगे। जैसे आपको एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन या दिए जाते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि ये चीज़ डिपेंड करती है या नहीं करती, तो आपने जस्ट एक आंसर करना है येस और नो, तो ये होगा आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करें, आर क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर विद अ सिंपल येस आर नो,
एंड इंस्टेड रिक्वायर द रेस्पोंडेंट टू एलाबोरेट ऑन देयर पॉइंट, अपने पॉइंट को एक एलाबोरेट करें जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपने डिस्क्राइब करना है, डिटेल बताएं कि जैसे आपने जॉब की या जी की, कहाँ पे की, कितना टाइम की, कितनी पे थी आपकी, तो वो बेसिकली आपका ओपन एंडेड होगा। आप ओपनली क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप ओपन एंडेड में कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन हेल्प यू सी थिंग्स फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव एज यू गेट फीडबैक इन देयर ओन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ स्टॉक आंसर। स्टॉक आंसर मीन कि आप एक रिजर्व नहीं रहते कि किस तरह से आपने अच्छा ठीक है ओके अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना, आंसर नहीं करना, आप उसको कस्टमर को जो है वो करने के लिए कुछ भी मतलब सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको डिटेल में भी उसका आंसर दे सकते हो। तो ये होगा हमारे पास टू टाइप। हाउ टू डिवेलप अ क्वेश्चनेयर। अब हम क्वेश्चनेयर को किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं, पीछे तो हमने पढ़ लिया ना कि क्वेश्चनेयर होता क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, हम क्वेश्चनेयर किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि हाउ टू डिवेलप अ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर को हम किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं, डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी सॉर्ट। जिसमें आप क्वेश्चनेयर जब डिवेलप करने लगते हो तो सबसे पहले डिसाइड करते हो कि मुझे किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, मुझे किस टाइप पे क्वेश्चनेयर बनाना है, कि कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। आप वहाँ पे अपना इंटरेस्ट डिवेलप करते हो। अच्छा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो डिसाइड करेंगे, सेकंड डिसाइड हाउ टू एडमिनिस्टर द क्वेश्चनेयर, कि मैंने अपने क्वेश्चनेयर को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, वो आप डिसाइड करोगे कि क्या वे होना चाहिए। मुझे जो है 10 क्वेश्चन रखने चाहिए, 5 रखने चाहिए, उनकी जो सीरीज़ है या अरेंजमेंट है वो मैंने किस तरह से करनी है, 4 ऑप्शंस क्वेश्चन देने हैं या यस आर नो में देने हैं। तो ये आप जो है डिसाइड करोगे कि किस तरह का क्वेश्चनेयर आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट वन है राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर, जिसमें आप जब फर्स्ट 2 स्टेप कर लेते हो तो थर्ड स्टेप में आपके पास आता है कि आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है। फर्स्ट ड्राफ्ट मीन के जो आपने डिसाइड कर लिया है अब उसको आपने क्वेश्चनेयर फॉर्म पे पुट करना है, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। फोर्थ वन है हमारे पास री एग्जामिन एंड रिवाइज द क्वेश्चनेयर। जब आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपने अपने एक क्वेश्चनेयर में डिवेलप करने हैं, तो उसमें आप जब अपने क्वेश्चंस को अरेंज कर लेंगे तो फोर्थ वन में आप उसको री एग्जामिन एंड रिवाइज करेंगे अपने क्वेश्चनेयर को। जब आप अपना एक टॉपिक लिख लेते हो और उस टॉपिक को लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है पेपर में तो आप उसको री एग्जामिन करते हो, रिवाइज करते हो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो वो रिवाइज एंड री एग्जामिन करने से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं और आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। फिफ्थ वन है हमारे पास प्री टेस्ट द क्वेश्चनेयर। आप एक जैसे हम लोगों ने एक उसमें पायलट स्टडी में बात की कि हम मिनी वर्जन करेंगे उसका, पहले से अप्लाई करेंगे फिर मेजर लेवल पे लेके जाएंगे, तो इसी तरह से फिफ्थ वन में भी आप पहले से क्वेश्चनेयर प्री टेस्ट करोगे। प्री टेस्ट आप खुद पे भी कर सकते हो, मतलब उस क्वेश्चनेयर को खुद से भी फिल कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से भी करवा सकते हो ताकि उसका मुझे जो है वो सारा प्रोसीजर पता चल जाए कि मैंने इसको फिल किया है, पार्टिसिपेंट्स का ये रिस्पॉन्स हो सकता है। तो फिफ्थ वन में आप उसको प्री टेस्ट करोगे। सिक्स में एडिट द क्वेश्चनेयर एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर इट्स यूज़। आप प्री टेस्ट करने के बाद उस क्वेश्चनेयर को एडिट करोगे एंड उसका प्रोसीजर बताओगे कि इस क्वेश्चनेयर को इस टाइप में यूज़ करना है। आपको जब क्वेश्चनेयर दिया जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आपको जो है पहले से इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, उसका प्रोसीजर बताया जाता है कि बेटा ये आपके 10 MCQs हैं, ये आपने करने हैं, उसके बाद आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने 5 पूरे करने हैं, लॉन्ग आपको 3 दिए गए हैं और 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका एक प्रोसीजर होगा उसको यूज़ करने का कि आप जो है क्वेश्चनेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं कि हम क्वेश्चनेयर को इन 6 स्टेप्स के थ्रू डिवेलप कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करने के साथ साथ उसको दूसरों पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल। सैंपल क्या है, अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल की अगर बात लें तो कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना होल पॉपुलेशन से,
अच्छा जी, यहाँ आपको एक पिक्चर में शो हो रहा है कि ये आपको पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में से मैंने कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। लाइक ये आपको ऑरेंज फॉर्म में सैंपल शो हो रहा है, तो बेसिकली ये सैंपल है। इस अगर हम सैंपल को किसी और एग्जांपल से रिलेट करें तो आप ये देख लें कि हमारा पूरा मुल्तान सिटी या एक पूरी दुनिया ले लें, पूरी दुनिया में से जो हमारा मुल्तान सिटी है ये सैंपल होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, ये पूरी दुनिया को हम पॉपुलेशन कहेंगे, और उस पॉपुलेशन में से मैंने जस्ट पाकिस्तान या मुल्तान सिटी जो है वो सिलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा, वो हमारा सैंपल होगा। इसीलिए हमने बोला कि आई रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, सबसेट मतलब कि जो सब टॉपिक होगा हमारा पॉपुलेशन से, उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास ये आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो ये होगा हमारे पास कि ईच रिस्पोंडेंट इज़ नाउन, मतलब जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं सैम्पल वो हमें पता होगा कि हमने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास फर्दर टाइप्स ऐड होती हैं, इंक्लूड होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर द सैम्पल। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस दोगे कि वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करे। फॉर सपोज आप एक रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करने के लिए आप जो है आपके पास बहुत सारा सैम्पल डाटा है, सैम्पलिंग डाटा है, जिसमें आपने हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस देना है कि वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देखें कि यहाँ पे मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। जितने मेल्स होंगे, जितने फीमेल्स होंगे, उन सब को आप इक्वल चांस देंगे, या उनमें से अगर 10 आपके पास मेल हैं और 10 फीमेल्स हैं, तो आप 5 फीमेल सिलेक्ट करेंगे एंड 5 मेल सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ और आपकी क्लास में से मैं किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली खड़ा करके मैं ये कहती हूँ कि आपने बेटा बताएं कल हमने क्या पढ़ा था, या आपका जो है वो किसी भी स्टूडेंट को जो है वो मैं चांस दूंगी कि वो इक्वली पार्टिसिपेट करे, या मैं या तो मैं आपकी पूरी क्लास से वन बाय वन क्वेश्चन करूंगी, या किसी भी रैंडम स्टूडेंट को जो है वो खड़ा करके कहूंगी कि मुझे बताएं। तो ये बेसिकली होगा हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ एन ईजियर प्रोसीजर देन द रैंडम सैम्पलिंग हू यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन एंड द नेम्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन आर अवेलेबल। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ एवरी NTH। NTH में नंबर जो होगा हमारा वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे फॉर सपोज हमने थर्ड लिया है, तो हम एवरी थर्ड स्टूडेंट को अपनी पॉपुलेशन में से सैम्पल के लिए सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज आपको यहाँ पे पिक्चर में देखें 1, और उसके बाद मैंने सेकंड सिलेक्ट किया। सेकंड सिलेक्ट करने के बाद जो हर थर्ड नंबर पे मेंबर होगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। फॉर सपोज आपकी क्लास में एक स्ट्रेंथ 50 की है, 50 की स्ट्रेंथ में मैंने जो है वो सेकंड रोल नंबर स्टूडेंट को इकट्ठा खड़ा किया है या सिलेक्ट किया है, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे स्टूडेंट होगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। फिफ्थ के बाद मेरे पास जो है 6, 7 को छोड़ के मैंने 8th रोल नंबर के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, और उसके बाद 9, 10 को छोड़ के मैंने 11 को सिलेक्ट किया। तो ये मेरी एक टारगेट पॉपुलेशन होगी, या टारगेट होगा मेरा कि मैंने आपकी क्लास में से रोल नंबर फर्स्ट को नहीं लेना, जो सेकंड पे बैठा होगा उसको लेना है, और उसके बाद 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के मैंने थर्ड वाले को खड़ा करना है, फिर उसके बाद 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के, तो वो स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेंट को भी पता चल जाता है कि अच्छा इन 2 को नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट नंबर मेरा है। तो सिस्टमेटिक में आप जो है अपनी कोई भी टारगेट सिलेक्ट करते हो कि मैंने पॉपुलेशन में से सिर्फ इस नंबर के स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है अपनी स्टडी के लिए या अपनी रिसर्च के लिए। तो ये बेसिकली होगा आपके पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड वन। स्ट्रेटिफाइड में इन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप।
होमोजीनियस मतलब जो एक जैसे ग्रुप होंगे, मैंने स्ट्रेटा बना लेना है कि मेरे पास अगर मेल है और फीमेल है तो मैंने जो है हर हर सिटी में से इतने मेल्स लेने हैं और इतनी फीमेल्स लेनी है, वो मेरा एक होमोजीनियस होगा कि मैंने बिल एक जैसे लेना। जैसे मैंने रैंडम सैम्पलिंग में आपको बताया बेटा, इन सब में जो है वो छोटे छोटे पॉइंट का डिफरेंस है। ये आपको जितने भी सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये सब आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपने इसको जब स्टडी करना है तो स्टडी करने के बाद आपने खुद से डिफरेंशिएट करना है कि कहाँ पर मेजर जो है डिफरेंस आ रहा है। तो स्ट्रेटिफाइड में हमने होमोजीनियस, वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस दिया है। सेकंड में हमने सिस्टमैटिक में ये देखा कि मैंने हर थर्ड नंबर का स्टूडेंट या हर फिफ्थ नंबर का स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। स्ट्रेटिफाइड में हम ये देखेंगे कि हमने होमोजीनियस ग्रुप जो है वो उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है, लाइक मेल एंड फीमेल। मतलब मैंने इक्वली जो है वो मेल सेलेक्ट करने हैं, फीमेल। अगर मैं रूरल और अर्बन की बात कर रही हूँ, शहर की बात कर रही हूँ, गांव की बात कर रही हूँ, मैंने अपने रिसर्च में दोनों चीज़ों को ऐड किया है। तो जितने मैं शहर से स्टूडेंट्स लूँगी, सिटी से लूँगी, उतने मैं विलेज से लूँगी। मतलब कि मैंने अगर सिटी में से मेल और फीमेल दोनों लेने हैं तो मैं इक्वली लूँगी। और मैंने एक स्ट्रेटा बना दिया है कि मैंने इतने में से इतने लेने। अब यहाँ देखें आपको, ये आपकी होल पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन में से मैंने स्ट्रेटा बनाया है, मेल को सेपरेट कर दिया और फीमेल को सेपरेट कर दिया। उसमें मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल सेलेक्ट किया था कि अगर सेकंड नंबर का ले रही हूँ तो थर्ड नंबर पे मेल है फीमेल है ये मेरा कंसर्न नहीं है, मैंने जस्ट थर्ड वाला ही स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में मैं स्ट्रेटा बनाऊँगी कि पूरी पॉपुलेशन में से मैंने मेल्स को सेपरेट कर लिया और फीमेल्स को सेपरेट कर लिया, ये मेरा स्टेटा बन गया। अब मेल्स में से मैं दो जो है वो दो मेल्स लूँगी, तो मैंने अगर यहाँ पे दो मेल्स लिए हैं तो मैंने दो ही फीमेल्स लिए हैं, तो ये क्या होगा, ये मेरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा। मैंने एक सैम्पल ले लिया अपनी स्टडी के लिए। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर रिसर्चर डिवाइडेड पॉपुलेशन इंटू मल्टीपल ग्रुप क्लस्टर फॉर रिसर्च, जिसमें क्लस्टर में आप ये देखते हो कि आप मल्टीपल ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हो। मल्टीपल ग्रुप्स किस तरह से होंगे कि मैंने मुल्तान सिटी में से मैंने कुछ स्कूल्स जो हैं अगर मैंने सिलेक्ट करने हैं तो मैंने एक आपका एक मल्टीपल अपनी रिसर्च का एक मल्टीपल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। उसमें मैं क्या करूँगी कि मैंने अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेनी है तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से लिम्स यूनिवर्सिटी ले लूँगी, इसके अलावा केम्स यूनिवर्सिटी ले लूँगी। ये मैं एक खुद से एक स्ट्रेटा बना लूँगी या एक ग्रुप बना लूँगी। इसके बाद मैंने जो है एक सिटी यूनिवर्सिटी ले ली, सिटी कॉलेज ले लिया या पंजाब कॉलेज ले लिया, ये फोर कॉलेजेस मैंने ले लिए। इन फोर कॉलेजेस को मैंने मल्टीपल ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्कूल एट रैंडम एंड टेस्टिंग ऑल द चिल्ड्रन इन दो सिलेक्टिंग स्कूल। अच्छा, अब मैंने जो है वो स्कूल्स लिए या मैंने कॉलेजेस लिए, जैसे मैंने आपको फोर कॉलेजेस रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर लिए। मुल्तान सिटी में वैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से फोर स्कूल सिलेक्ट कर लिए। आप ये देखें, वन स्कूल है, सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। अच्छा, जब मैंने ये फोर स्कूल सिलेक्ट कर लिए तो उन फोर स्कूल्स या कॉलेजेस में से अब मेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो वो मैंने क्या करना है, मैंने जितने भी बच्चे होंगे उस कॉलेज में जो कम एज के होंगे, मैं अपनी टेस्टिंग के लिए उन तमाम बच्चों को सिलेक्ट कर लूँगी। फॉर सपोज आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट में से मैंने थ्री बच्चे सिलेक्ट किए, सेकेंड में से मैंने दो बच्चे एक फीमेल सिलेक्ट की, थर्ड में से मैंने तीनों बच्चियां सिलेक्ट की हैं और फोर्थ कॉलेज में से मैंने दो बच्चियां और एक बच्चे को सिलेक्ट किया। और जब मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया तो इनको जब मैंने क्लस्टर सैम्पलिंग में यूज़ किया तो उसमें से मैंने हर स्कूल या जितने भी वो बच्चे इकट्ठे हुए थे उन सब बच्चों में से मैंने दो फीमेल्स और एक मेल को सिलेक्ट कर लिया। मतलब मैंने एक मल्टीपल ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया जिसको मैं अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करूँगी। तो ये होगा हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आप मल्टीपल ग्रुप्स बनाते हो अपनी पॉपुलेशन से। अच्छा जी, वो था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हमने फर्दर फोर टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन से जो भी सैम्पल सिलेक्ट कर रहे हैं वो अननोन होगा, हमें नहीं पता कि मैंने कौन सा सैम्पल लेना है अपनी स्टडी के लिए।
प्रोबेबिलिटी में मुझे पता था कि मैंने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स को, मैंने स्ट्रेटा बनाना है, मैंने हर थर्ड नंबर का स्टूडेंट लेना है, वो सारी चीज़ें मुझे पता होंगी कि मैंने अपना एक टारगेट बना के जाना है कि मैं आज हर फोर्थ स्टूडेंट को इकट्ठा करूँगी या इतने फीमेल्स लूँगी इतने मेल्स लूँगी, ये सारी चीज़ें मुझे प्रोबेबिलिटी में पता होंगी। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में मैंने पॉपुलेशन में से कौन सा सैंपल लेना है ये चीज़ें मुझे पता नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी की वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। दिस सैम्पलिंग इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। बेसिकली इसे हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दिस मैटर इन्वॉल्व सिलेक्शन द नियरेस्ट इंडिविजुअल टू सर्व एज सब्जेक्ट फॉर द स्टडी दिस सैम्पल अवेलेबल टू द रिसर्चर। ये हमारे पास रिसर्चर के पास ये सारी जो हिंट्स होते हैं या जितनी भी एक आप कह लें कि पावर है वो रिसर्चर्स के पास होगी। फॉर सपोज आप जो है अगर कन्वीनियंट सैम्पलिंग में बात करें तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं अपनी स्टडी के लिए, तो उसमें आप क्या करोगे, आपको डाटा चाहिए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के गेट एंट्रेंस पे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी आने का टाइम होगा तो उसमें आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स को रेंडमली सिलेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे कि जैसे ही स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा होगा, जो आपको अच्छा लग रहा होगा अपीयरेंस में, आप उसे कहोगे कि मैं आपका डाटा लेना चाहती हूँ, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन करोगे, अगर वो विलिंग होगा आपके साथ पार्टिसिपेट करने में तो आप उसको इजीली अपनी स्टडी अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये कन्वीनियंट सैंपलिंग होगा जिसमें आपने एक्सीडेंटली सैंपल अपना सिलेक्ट किया है अपनी रिसर्च के लिए। जैसे मैंने गेट एंट्रेंस की बात की तो ये क्या होगा हमारे पास, कन्वीनियंट सैंपलिंग। नेक्स्ट वन है आपके पास कोटा सैंपलिंग। कोटा मींस इज डिफाइंड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड इन विच रिसर्चर क्रिएट अ सैंपल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। रिसर्चर चूज दिस इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेट आर क्वालिटीज। आप इसमें क्या करोगे, कुछ कोटास बनाए गए होते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम इसकी ये ले सकते हैं कि आप जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने लगते हो तो वो कुछ एड्स आए हुए होते हैं, एडवर्टीजमेंट आई हुई होती है कि आप जो है इस जॉब के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर फीमेल है तो उसकी एज 25 से 35 होनी चाहिए, ये उन्होंने कोटा बनाया गया। इसके अलावा आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो जब जॉब्स के एड्स आए हुए होते हैं तो वो उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि स्पेशल कोटा, जिसमें आप स्पेशल कोटा में रिज़र्व लोगों को रखते हो कि जो पैरालाइज है या खुदा ना खास्ता एबनॉर्मल है तो वो उनका एक स्पेशल कोटा होगा। इसके अलावा फीमेल्स है तो फीमेल्स की एज 25 से 35 होनी चाहिए, इससे अबव एज वालों को हम इंटरव्यू में भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो टेस्ट नहीं दे सकते। इसके अलावा मेल्स के लिए आपको जो है वो दी जाती है कि मेल्स के लिए 30 से 50 तक की एज होनी चाहिए, तो ये हमारा स्पेशल कोटा होगा जिसमें हमने 50 फीमेल्स सिलेक्ट करने हैं। और हमारी अगर टारगेट पॉपुलेशन है कि मैंने 50 ही फीमेल्स लेनी है और उनकी एज 45 से 60 होनी चाहिए, इसके दौरान में मैं उनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर इससे बिलो होगा या इससे अबव होगा तो वो मेरी रिसर्च का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये होगा हमारे पास कोटा सैंपलिंग। थर्ड वन है हमारे पास पर्पोजिव सैंपलिंग। पर्पोजिव सैंपलिंग जो है आपको एक वर्ड से ही शो हो रहा है कि पर्पस किसी खास मकसद के लिए आप क्या करोगे, सैंपल सेलेक्ट करोगे। पर्पोजिव सैंपलिंग जो है इन विच जो आपकी नीड होगी विच सैंपल दैट सेटिस्फाई ही स्पेसिफिक नीड, जो कि आपकी नीड होगी कि मैंने इस चीज़ को अपनी रिसर्च में ऐड करना है, वो आपका इंटरेस्ट होगा, आप उस टॉपिक से उस नीड से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप स्पेशल वो चीज़ों को अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो आपका मेन पर्पज़ होगा। ठीक है, जो आपकी जजमेंट होगी उसमें हम वो चीज़ को अपनी सैम्पल या अपनी रिसर्च के लिए सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें आप जो है कोई भी सैम्पल सिलेक्ट करते हो किसी भी ट्रेट के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसपे आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है कि मैंने इस पे ही रिसर्च करनी है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में ये बहुत मुश्किल रिसर्च होती है और इस रिसर्च को कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल होता है, उस तक हार्ड टू रीच एंड हिडन बहुत मुश्किल होता है। आप किसी से डाटा, आपको पता है कि मैं इस पर्सन से डाटा नहीं ले पाऊँगा, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट होता है कि मैंने इस पे ही रिसर्च करनी है। फॉर सपोज ड्रग एडिक्शन की बात
बात करें तो इन लोगों से डाटा लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, आपको इजीली डाटा नहीं दे पाते। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस होती हैं कि लोग क्यों ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका स्नोबॉल सैंपलिंग होगा, आपके लिए इस रिसर्च को कंटिन्यू करना मुश्किल होगा, लेकिन आप उसको करोगे कि मैंने इसी पे ही रिसर्च करनी है, ये मेरी एक ख़ास इंटरेस्ट है और ये मेरी ट्रेट है कि मैंने होमलेस लोगों की अगर बात करें कि जो बेघर होते हैं लोग, उन पे अगर हम रिसर्च करें तो उनके लिए भी डाटा लेना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी अपना ईजिली डाटा नहीं देता, अपने घर के बारे में नहीं बताता। तो वो क्या होगा, आपका होमलेस लोगों पे रिसर्च करना होगा, आप उनसे किसी भी तरह करके डाटा लोगे और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करोगे। ये हो गया हमारे पास सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की हमने 2 टाइप्स पढ़ ली, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, इनकी फर्दर 4 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर। बेसिकली अगर हम वेरिएबल की बात करें तो एक किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जब हम कुछ भी ट्राई करते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल होता है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको मेजर करने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज हाइट हो गई, हाइट को आप मेजर करते हो कि हमारी हाइट कितनी होगी, तो आप जो है हाइट अपनी मेजर करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है। इसके अलावा पर्सनैलिटी की बात करें, पर्सनैलिटी भी हमारे पास एक वेरिएबल है। फॉर सपोज आप जब सोसाइटी में मूव करते हैं तो आप बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी को जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर खुद को देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे पर्सनैलिटी में ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, उनको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मेजर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं मेरी पर्सनैलिटी में, मुझे इनको रिमूव करना चाहिए, मुझे उस पर्सन का ये वाली पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी, मुझे उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये होगा हमारे पास वेरिएबल। जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में आता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट हम अपनी मोस्टली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अ वेरिएबल हुज वेरिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट ऑफ अनदर। इसकी अगर हम एग्जाम्पल को ऐड करें, एज एंड टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देखें एज को हम रोक नहीं सकते, एक साल के बाद हमारी एज बढ़ती रहती है, ये इंडिपेंडेंट है, हम इसको किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। इसके अलावा टाइम की बात करें तो टाइम भी हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम को हम नहीं रोक सकते। ये क्या होगा, ये खुद ब खुद बढ़ेगा, इट चेंज ऑन इट्स ओन, खुद से ही बढ़ेगा, खुद से चेंज होगा, हमारे पास कोई भी पावर नहीं है कि हम इसको रोक सके। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वेरिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट ऑफ अनदर, मतलब कि आप ये देखेंगे कि ये जो है सेकंड पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी टाइम की बात की, एज की बात की, तो टाइम एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करें, हम एक पर्सन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड स्टूडेंट्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं टीचर्स पे। जब तक मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगी आप मुझ पे डिपेंड करते रहेंगे, आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि मैम कंप्लीट करवाएंगी तो हम करेंगे। इट मींस आप लोग मुझ पे डिपेंड कर रहे हो और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। अगर मैं ऑफ़ कर लेती हूँ, मैं आज आपका लेक्चर नहीं लेती, तो मुझ पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं टीचर हूँ। लेकिन इफ़ेक्ट आप लोग के पड़ेगा, आप लोग का कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी। इसके अलावा जो है ये आपको ये एक शो हो रहा है पिक्चर, जिसमें आपको जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इज़ द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इफ़ेक्ट है। इंडिपेंडेंट जो है वो कॉज हो रहा है, मैं एक कॉज हूँ टीचर, और स्टूडेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं नहीं आती तो आप लोगों पे इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा स्मोकिंग की बात करें या हम बात करें कि हमारे पास जो है लंग्स कैंसर, आपका देख लें तो लंग्स कैंसर में बेसिकली हम ये कह देते हैं कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग के साथ साथ जो है वो आपके लंग्स कैंसर आप पे लंग्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल।
नेक्स्ट वन है हमारे पास थर्ड वेरिएबल एक्सट्रीनियस वेरिएबल. एक्सट्रीनियस वेरिएबल विच आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट कुड अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे काम कर रहे हैं. एक थर्ड वेरिएबल आगे एक्सट्रीनियस वेरिएबल जो आप दोनों की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट कर रहा है. मतलब आप स्टूडेंट जो है वो लेक्चर ले रहे हैं डिपेंडेंट है एंड टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट है वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. एक थर्ड वेरिएबल एक्सट्रीनियस वेरिएबल आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो गया है और उस थर्ड वेरिएबल को हम कंट्रोल ग्रुप का नाम देंगे जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, नॉइज़ है, पार्टिसिपेंट बिहेवियर है, लाइटिंग कंडीशन है. टेम्परेचर सर्दी गर्मी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. गर्मी है तो आप फ़ैन ऑन करोगे, सर्दी है तो आप अपना अपर यूज़ करेंगे. इसके अलावा नॉइज़ शोर वगैरह आ रहा है, आपको मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ बाहर से शोर आ रहा है तो मैं उसको जाके कंट्रोल करूँगी कि बच्चे अंदर क्लास हो रही है आप प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करें, शोर नहीं करें. तो ये होगा आपका नॉइज़. पार्टिसिपेंट बिहेवियर, अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ. ये होगा एक्सट्रीनियस वेरिएबल जिसमें मैं आपको कंट्रोल करूँगी और आपको जो है वो रोकने की कोशिश करूँगी. इसके अलावा थर्ड वन आपके पास लाइटिंग कंडीशन आ जाता है. लाइटिंग कंडीशन में आप जो है वो ये कह सकते हैं कि हम लाइट अगर आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट कर रही है सोते हुए तो आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप लाइट ऑफ़ कर दें. अगर आपको लाइट में आदत है तो आप जो है वो डार्कनेस नहीं रखेंगे, आप लाइट ऑन कर लेंगे. तो ये हमारे पास होगा थर्ड वन एक्सट्रीनियस वेरिएबल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्वे मेथड. सर्वे मेथड बेसिकली सर्वे करना और सर्वे करते हुए डेटा कलेक्ट करना क्वेश्चन फॉर्म में. जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन एयर पढ़ा है तो वो क्वेश्चन एयर आप एक डिवेलप करने के बाद आप डिफरेंट प्लेसेस पे सर्वे करोगे और उनको अपना क्वेश्चन एयर देने के बाद कहेंगे कि आप प्लीज़ ये क्वेश्चन एयर फिल कर दें. एक क्लास में सर्वे करोगे, दूसरी क्लास में सर्वे करोगे, एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. तो ये क्या होगा, ये आपका सर्वे मेथड होगा जिसमें आप डिफरेंट सर्वे करने के साथ साथ अपना डाटा कलेक्ट करेंगे. There are four types of survey method. First one है हमारे पास mail survey, telephone survey, personal survey and fourth one है internet survey. जब आपने किसी को अपना question send करना होगा तो आप उसको mail कर दोगे कि kindly ये मैंने आपको mail किया है, आप मुझे ये अपना question fill करके मुझे again इसको send कर दें मुझे. तो मेल सर्वे में बेसिकली हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारे पास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. टाइम कंज्यूमिंग जो है वो इसमें कम होगी क्योंकि आपका टाइम बच रहा है, आप घर बैठे हुए अपना क्वेश्चन जो है वो मेल कर रहे हो. इसके अलावा आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके इस पे कोई पैसे नहीं लगेंगे. आपने लैपटॉप पे ही अपना क्वेश्चन बनाया, लैपटॉप के थ्रू ही पार्टिसिपेंट को सेंड कर दिया. टेलीफोन सर्वे की बात करें तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि हम किसी भी पर्सन से डाटा लेना होगा. जैसे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि आपने अप्लाई किया था तो आप जो है कल आके इंटरव्यू दे दें. तो वो इंटरव्यू अब अगर आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप फिज़िकली नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वो सारी चीज़ें कर रहे हो. तो ये भी आपका टेलीफोन सर्वे होगा कि यहाँ बैठे हुए मैं आपसे फ़ोन करके क्वेश्चन कर रही हूँ कि बेटा आपने ऐसा किया, आपने ये पढ़ा. तो ये क्या होगा, ये भी एक टेलीफोन के थ्रू मैं सर्वे कर रही हूँ. ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपका और टाइम कंज्यूमिंग जो है वो इसमें भी कम होगी. नेक्स्ट वन है हमारे पास पर्सनल सर्वे. पर्सनल सर्वे में हम जो है पर्सनली फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं. जैसे मैंने हर यूनिवर्सिटी में विज़िट किया है, विज़िट करने के साथ साथ मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कर रही हूँ. मुझे अगर किसी पार्टिसिपेंट को मेरे किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे बाय फेस पूछ सकता है कि इसका क्या क्वेश्चन है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है. तो आप उसको डायरेक्ट ही क्लियर कर सकते हो. इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपका जो है वो क्वेश्चनेयर, आपका डाटा जो है वो क्लियर फॉर्म में होगा. टेलीफोन में हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट पर्सन ने हमें जो रिस्पांस किया है वो सिंसियर हो के किया या नहीं किया, मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक किया है या नहीं किया, तो वो आप उसमें अनक्लियर होते हो. लेकिन पर्सनल सर्वे में आप क्लियर होते हो कि मेरे सामने ही किसी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चनेयर फिल किया है और मुझे जो है वो तसल्ली है कि मेरा डाटा जो है वो अच्छा कलेक्ट हुआ है. तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा. इस पर आपको जितने पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन फिल करवाना होगा उतने प्रिंट आपको निकलवाने होंगे तो उतने आपके पैसे लगेंगे और इसके अलावा टाइम भी अच्छा खासा लगेगा कि आप एक
पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन फिल करवाओगे तो आप नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाओगे, तो ये इसमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है। थर्ड वन, फोर्थ वन हमारे पास लास्ट जो है वो इंटरनेट सर्वे है। इंटरनेट सर्वे बेसिकली नेट पे ही क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, तो आप HEC की वेबसाइट पे या उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ आपको क्वेश्चन जो है वो ओपन करते हो और वहीं पर जो है आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, अपना जितना भी डाटा है वो उस पर शो कर देते हो और उसके बाद जो है आप उस जॉब के लिए या उस एडमिशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया। तो इंटरनेट सर्वे में बेसिकली इंटरनेट पे ही बहुत सारे आपको दिए जाते हैं और आप उसका जितना भी डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये होगा हमारे पास इंटरनेट, और इसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वही होंगे जो हमने मेल और टेलीफोन सर्वे में पढ़े थे कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्वे मेथड। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। किसी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है हमारे डिस्कशन लेक्चर में इजीली वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। और नोट्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोट्स मैं आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगी, आप पेपर की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।